हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों, अपडेट है आरपीएससी का, यानी कि दोस्तों आरपीएससी ने यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की जो नई वैकेंसी है वो जारी कर दी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती है उसकी पूरी डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूँ कि कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, किस तरह से आपका यहाँ पर सलेक्शन होगा और कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज का ये नोटिफिकेशन है 5/8/2024 का। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लगभग 1014 पदों पर यहाँ पर जारी की गई है। और दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी यहाँ पर आमंत्रित कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, पोस्टों की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीएचडी विभाग में एईएन की जो सिविल की जो पोस्ट हैं वो लगभग 365 पोस्टें यहाँ पर जारी की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दोस्तों इसमें लगभग 101 पोस्टें यहाँ पर जारी की गई है। और इसके साथ में दोस्तों, एईएन जो सिविल है उसकी लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग में 125 पोस्टें हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में एईएन इलेक्ट्रिकल की लगभग 20 पोस्टें हैं, और जो डब्ल्यूआरडी विभाग है एईएन का उसमें सिविल की 156 पोस्टें हैं, और इसी विभाग में एईएन मैकेनिकल की लगभग 7 पोस्टें यहाँ पर जारी की गई है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसमें सिविल और एग्रीकल्चर दोनों एईएन की यहाँ पर जो है लगभग 240 पोस्टें जारी की गई है। यानी कि दोस्तों, दोनों ब्रांच की है यहाँ पर, इसमें सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर जो टेक्निकल विभाग की वैकेंसी है वो है। और अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए बीई सिविल होना चाहिए, और पोस्ट नंबर 2 के लिए बीई मैकेनिकल होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, पोस्ट संख्या 4 के लिए बीई इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और 6 के लिए बीई मैकेनिकल। साथ में दोस्तों, जो पद संख्या 7 है उसमें डिग्री इन सिविल, यानी कि दोस्तों बीटेक वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने सिविल और एग्रीकल्चर से अगर यहाँ पर कर रखा है बीटेक, तो वो पोस्ट संख्या 7 के लिए यहाँ अप्लाई कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए, इन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि देवनागरी जो लिपि जिसे हम कहते हैं वो आना चाहिए, और जो राजस्थान का जो कल्चर है वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब दोस्तों, जो आयु सीमा है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आयु सीमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1/1/2025 को आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 2018 में ये वैकेंसी आई थी इन्हीं पदों पे, उसके बाद में सीधी अभी, यानी कि दोस्तों लगभग 2024 में ये वैकेंसी आई है, यानी कि उसके बीच में कभी भी नहीं आई थी यहाँ पर वैकेंसी। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आयु गणना 1/1/2025 तक यहाँ पर रखी गई है। और इसमें दोस्तों, अतिरिक्त 3 वर्ष की जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है, यानी कि इतने साल वैकेंसी नहीं आई तो उसके लिए 3 साल की जो एक्स्ट्रा छूट है वो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर दी गई है, हर कैटेगरी के कैंडिडेट को। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, या पिछड़ा वर्ग, या अति पिछड़ा वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर जो कैंडिडेट है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, उन कैंडिडेट को यहाँ पर दोस्तों 5 साल की छूट दी गई है, राजस्थान के होनी चाहिए दोस्तों। और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा और जो आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर दोस्तों लगभग 10 साल की छूट दी गई है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग महिला कैटेगरी है यहाँ पर, यानी कि महिला कैटेगरी को 10 साल की छूट है और पुरुष कैटेगरी को केवल 5 साल की छूट है। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो विधवा या जो परित्यक्ता है उनको लगभग अपर एज लिमिट में पूरी छूट दे दी गई है, यानी कि कितनी भी उनकी जो है उम्र हो वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एईएन की जो वैकेंसी है उसमें दोस्तों आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसकी यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो बताई गई है कि इसमें दोस्तों एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। उसके अलावा यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, यानी कि पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वालिफाई करने वाले का दूसरा एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो परीक्षा है वो आपकी हो सकती है। सभी जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि अभ्यसद वाले होंगे। और आवेदन की जो तिथि है वो दोस्तों यहाँ पर 14/8/2024 से 12/9/2024 तक यहाँ पर आवेदन की जो तिथि है वो बताई गई है। बाकी आपको दोस्तों अपना जो फॉर्म है वो SSO ID से जाकर के भरना है, लेकिन आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो इसमें होना चाहिए। अगर आपने वो कर रखा है तो आप SSO से भर सकते हो, अन्यथा आपको पहले जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना है। और उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो फीस आपकी वो लगेगी, यानी कि एक बार ये पंजीकरण जो शुल्क है वो यहाँ पर लगेगा, जिसका आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है क्रीमिलेयर के, उनके 600 रुपये रखे गए हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 400 रुपये है, बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये हैं। और जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनकी यहाँ पर ये जो फीस है वो नहीं लगेगी। और दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीमिलेयर एग्ज़ाम है, यानी कि एक तो प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा और एक मुख्य एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लगभग आपके यहाँ पर जो प्राइमरी एग्ज़ाम है वो जब आप यहाँ पर दोगे, अगर आप उसमें पास होगे
तो ही आपको मेन एग्जाम में यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। और लगभग दोस्तों यहाँ पर जो 15 गुना जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर पास किया जाएगा, जो प्रारंभिक एग्जाम है उसमें, यानी कि जितनी पोस्ट हैं उसके लगभग 15 गुना कैंडिडेट को ही यहाँ पर पास किया जाएगा और उन्हीं का यहाँ पर जो है मेन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मेन एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाई का, यानी कि लगभग 35% रखा गया है और दोनों पेपरों को मिला के 40% आप अगर नंबर लाओगे तो ही आपका एंट्री होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रारंभिक एग्जाम होगा उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, यानी कि एक एग्जाम में दो सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में जो है 200 नंबरों के लगभग ये जीके वाले जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, और जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, और जियोग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर है। इन ये जो है 200 नंबरों के आएंगे, 2 घंटे का पेपर है। और वहीं जो आपका सेक्शन बी होगा इसी समय, उसमें भी दोस्तों 200 नंबर का ये आपका पेपर होगा जो 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें आपका जो सब्जेक्ट है टेक्निकल का वो रखा गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 घंटे का ये पेपर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेन एग्जाम है उसमें भी आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वो एग्जाम होने वाला है। सेक्शन ए में केवल हिंदी और एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो बेसिक क्वेश्चन है वो आने वाले हैं लगभग 200 नंबरों के। और जो आपका सेकंड यानी कि बी पार्ट होगा उसमें आपके जो है यहाँ पर टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसके 200 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और जो आपके जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हो, इन सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके बी पार्ट में आएंगे। यानी कि दोस्तों 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्रारंभिक और एक मेन। प्रारंभिक में भी 2 पेपर होंगे और मेन एग्जाम में भी 2 पेपर होंगे, साथ में इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप अच्छी सी तैयारी करोगे तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, अन्यथा दोस्तों हल्के में लेने से आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर नहीं होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आरपीएससी ने ये नया वैकेंसी यहाँ पर जारी किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और साथ ही जो आरपीएससी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो रिजल्ट है वो जल्दी जारी कर रही है, उसकी भी अपडेट आपके पास आ जाएगी और कब आपका इंटरव्यू होगा वो भी आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह राजस्थान की न्यू वैकेंसी की पल पल की अपडेट के लिए आप एमएकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।